इंडिया लाइव टुडे, आप सभी को स्वागत और अभिनंदन। आध्यात्मिक इंद्रधनुष, प्लीज कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द स्पिरिचुअल चैनल। नर्मदा कुंड से पूर्व दिशा की ओर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर माई की बगिया स्थित है। यह बगिया माँ नर्मदा को समर्पित है। यह स्थान हरे भरे बाग की तरह है। एक छोटा सा मंदिर है। यह एक कुंड भी है जिसे चरणोदक कुंड के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता है कि नर्मदा का वास्तविक उद्गम स्थल यही स्थान है। माई की बगिया में निकली जलधारा ही आगे जाकर वर्तमान नर्मदा उद्गम मंदिर में निकली है। आज इस आध्यात्मिक यात्रा में ले चलेंगे मध्य प्रदेश की अमर तीर्थ भूमि अमरकंटक के मिकाल पर्वत स्थित माई की बगिया के एक अखंड पवित्र धुनी के पास। यह एक अखंड पवित्र धुनी भारत के मध्य प्रदेश की पवित्र भूमि अमरकंटक की माई की बगिया में सदियों से जल रहा ये अखंड धुनी। ना जाने कब से जल रहा है ये अखंड धुनी। नर्मदा माई के नाम पे अर्पित इस धुनी से आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर साधना में लीन होकर कई तपस्वी और साधक परमात्मा में विलीन हो गए। सदियों से चलता रहा ये परंपरा आज भी एक ही तरह चल रहा है नर्मदा माई की कृपा से। नर्मदा माई की बहती इस अविराम पवित्र धारा की माफी इस अखंड धुनी की पवित्र विभूति आयु आरोग्य और मानव मुक्ति की आस्था की प्रतीक बन के प्रज्वलित है। चलिए इस पौराणिक कहानी की विस्तार सुन लेते हैं। इस मंदिर में आज भी प्रज्वलित है माँ नर्मदा के नाम पर समर्पित एक अखंड धुनी। वर्तमान में इस धुनी की सेवा अर्चना करने वाले पुरोहित से सुन लेते हैं इस धुनी की अमर कथा। पुरोहित एक समय युवावस्था में बीमार पड़ गए थे। इस रोग से मुक्ति के लिए चिंता में डूबे रहते थे। तभी एक साधु ने आदेश दिया, तुम माई की बगिया में धुनी के सामने अपने आप को जिंदगी भर के लिए समर्पित कर दो, तभी तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। पुरोहित ने वैसे ही किया। नर्मदा माई की अलौकिक कृपा से वह पूरी तरह ठीक हो गए। उसी विश्वास से पुरोहित ने आज भी माई की बगिया में मंदिर की धुनी के सामने अखंड रेवा नाम निरंतर जप रहे हैं। गुल बकावली एक ऐसे पौधा है, आज के लिए पौधा हो गए फूल, जो कि यहीं इसकी उत्पत्ति है। ये हमारे भारत देश में कहीं नहीं है, यहीं उनकी उत्पत्ति हुई है, यही उनकी जन्म स्थान है। माई भी का नर्मदा माई का यहाँ जन्म स्थान है, उनका भी यहाँ जन्म स्थान है। तो माई वहाँ से यहाँ खेलने कूदने आती थी, दोनों सहेली खेलती कूदती थी, यहाँ रहती थी। यहाँ ये उनकी तपोभूमि है, जहाँ बैठे हैं आप ये तपोभूमि है। इस जगह में माया नर्मदा मैया तपस्या करके 12 वर्ष की उम्र में तपस्या की, छोटी उम्र में भोलेनाथ जी का, फिर वहाँ भोलेनाथ उसको पवित्रता और अमरता का वरदान यहीं से प्राप्त की है। तब से ये धुनी को बताते हैं प्रज्वलित है। आते गए कई महान साधु महात्माए, आते गए धुनी चेताते थे, धुनी जलाते थे। उन लोग अखंड है, उनका देख रेख करते रहे। आज में मेरा कुछ दिन मेरा नंबर चल रहा है, अभी जब तक मैं रहूँगा है, मेरे बाद और कितने हैं आने जाने वाला। तो ये मैया की यहाँ ये महत्व है, इसलिए यहाँ को माई की बगिया कहते हैं। बगिया के नाम में यहाँ आम अमरूद कटहल ये सब वृक्ष लगे हुए हैं। ये किसी का लगाया नहीं है, ये लगा हुआ है। अब जंगल है, जंगल में होते रहता है, इस टाइम पहले से ये लगा बड़ा बड़ा पेड़ है इनका। ऐसे आम आते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कि ऐसे आम का पेड़ नहीं देखे, बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए इनका माई की बगिया कहते हैं। यहाँ माई की चरणोदक कुंड पड़ी है, जहाँ आप पीछे मंदिर गए होंगे दर्शन करने, वहाँ पर माई की चरणोदक कुंड। हाँ, वहाँ से माई आती है तो पहला उनका चरण यही पड़ता है।
तो ये चरण में उसका चरण उदक कुंड का उद्गम स्थल से पहले। हाँ, फिर यहाँ पांच कुंड है, एक परिवर्तित कुंड है जहाँ महाराज जी बैठे हैं, उसके सामने में परिवर्तित कुंड है जो छोटा कुंड है, उसमें परिक्रमा करके जो आते हैं नर्मदा माई की, उनके जल को वहाँ परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, आधा जल उस पर लिए जाते हैं, आधा जल फिर उसको दिया जाता है। फिर ये तट दक्षिण उत्तर तक माना जाता है, ये तट दक्षिण है, इधर आपका पूर्व है, इधर पश्चिम है। माई की नर्मदा मैया की यहाँ से कोई इधर अस्तित्व पूर्व दिशा में नहीं है, यहीं से परिक्रमावासी मार्ग बना है, यहाँ से परिक्रमावासी आते हैं, यहाँ पूजा पाठ प्रति करते हैं, उसके बाद जल परिवर्तित करते हैं, फिर ये दक्षिण तट से होते हुए फिर निकलते हैं जहाँ से ओंकारेश्वर में पूरा होता है, वहाँ ओंकारेश्वर में जल चढ़ेगा, वहाँ फिर अनजाने अनकहे आध्यात्मिक कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल इंडिया लाइव टुडे। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम नए नए आध्यात्मिक कहानी लेकर आपके सामने आ सकें।